अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। एक सबका आधार है, एक चलावनहार है और एक ऐसा तत्व है जो बंधन में है। जो बंधन में है वह केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है, जो बंधन में है, जो दुखों में है, जो कष्ट में है, जो त्रैताप से तपित है, जो दुखों से उद्विग्न है, जो दुख सागर में है, जो भव सागर में है, जो संसार सागर में है, जो मुर्दों के शहर में है, जो मृत्यु लोक में है, जो बंधन में है, जो बंधन में है वो केवल बंधन में ही रहने के लिए नहीं है, अरे वो मुक्त हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है, वो परम आनंद में स्थित हो सकता है, वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। वो केवल बंधन में रहने के लिए थोड़ी है कि बंधन में ही बंधे रहेंगे, कितने बंधनों से तो बांध रखा है स्वयं का, कितनी रस्सियों से बांध रखा है, कितने अज्ञान से बांध रखा है, कितने मोह से, आसक्ति से, अहंकार से, ईर्ष्या घृणा द्वेष कलह से बांध रखा है। एक रस्सी से बांधा है क्या? एक रस्सी से बांधा है, अनेकानेक रस्सियों से बांध रखा है। हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। स्वरवेद में सदगुरु की वाणी कहती है, दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारा अंधेरा ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है, जो क्लेशों में मूर्धन्य है। तो बद्ध मुक्त तत्व एक है, वही आत्मा है। आत्मा एक है जो बंधन में है, जो बंधन में है, अरे वो केवल बंधन में रहने के लिए थोड़े ही है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में इस मरने के लिए थोड़ी है, दुखों को भोगते रहने के लिए थोड़ी है, मैं तू यह वह मेरा तेरा करते रहने के लिए थोड़ी है। मृत्यु का दुख बारंबार प्राप्त करने के लिए थोड़ी है कि मृत्यु का दुख भोगते रहें, जन्म और मरण की वेदना को भोगते रहें, संसार के दुखों को भोगते रहें, मैं तू यह वह मेरा तेरा इसी चक्की में पिसते रहें, केवल इसलिए थोड़ी है, केवल इसलिए थोड़ी है। जो बंधन में है वो केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है, अरे वो अपने बंधन से मुक्त हो सकता है, अपने बंधन से अलग हो सकता है। इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है।
महर्षि से जिज्ञासा होती है कि महर्षि मृत्यु सबको खा जाती है, मृत्यु सबको जला देती है, मृत्यु को कौन खाता है, मृत्यु की मृत्यु कब होती है। महर्षि याज्ञवल्क से यह जिज्ञासा हुई। मिथिला के महर्षि जो उपनिषदों के श्रेष्ठ महर्षि हैं, जो राजा जनक की सभा में शोभायमान होते रहे, राजा की जिज्ञासाओं का समाधान किया, शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान किया महर्षि याज्ञवल्क ने। हमारे उपनिषदों में जिनकी गाथाएं भरी पड़ी हैं, जिन महान महर्षि की, महर्षि भारद्वाज जिनसे आत्मज्ञान की इच्छा लिए निरंतर सत्संग करते रहे, आत्मज्ञान की तरफ निरंतर आगे बढ़ने के लिए महर्षि याज्ञवल्क से प्रार्थना करते रहे, पूछा जिज्ञासु ने महर्षि मृत्यु सबको खा जाती है, इस मृत्यु को कौन खाता है, महर्षि मृत्यु की मृत्यु कब हो जाती है, कब हो सकती है। महर्षि ने कहा प्यारे जिज्ञासु, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा, परमात्मा प्राप्ति के द्वारा, परम आनंद के अनुभव के द्वारा मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु की मृत्यु कराई जा सकती है, फिर मरना नहीं पड़ेगा, मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, कहा अरे ये मृत्यु तो मेरे लिए खिड़वाड़ है। सद्गुरुदेव बराबर कहा करते थे, योगी वही है, योगी वही है। कौन है योगी? जो केवल शरीर को ही तोड़ता मरोड़ता फोड़ता रह जाए। कौन है योगी जो केवल श्वासों की ही क्रियाओं को करता रह जाए? सद्गुरुदेव बराबर बराबर कहा करते थे, स्वर्वेद का सिद्धांत निरंतर इस परम सत्य को उजागर करता रहता है। योगी वही है जो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग कर देता है, त्याग कर सकता है मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर। जो प्रकृति के कुचक्र से अलग हो सकता है, वही जन्म और मरण के बंधन से अलग हो सकता है। भोग लिया अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को दुखों को भोग लिया, अब कितना भोगेंगे, कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। एक साधक का एक साधिका का क्या संकल्प है, भोग लिया, कितना भोगेंगे, अनंत अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हैं, माया का थप्पड़ खाते आ रहे हैं, कितना थप्पड़ खाएंगे, कितना प्रताड़ित होंगे इस मन से, इस माया से, इस उपद्रव से, इस अस्थिरता से, इस चंचलता से, इस चपलता से,
इस रजस के वेग से, इस तम के अंधेरे से, कब तक दुख भोगेंगे? क्योंकि संसार के जो विषय हैं वो दुख रूप हैं, तो दुख रूप हैं तो हैं। संकल्प बना लिया, संकल्प बना लिया, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, केवल संसार के क्षणिक विनाशी सुखों में, केवल दुखों में नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। सदगुरु कृपा का आधार है हमारे साथ, उसने हमारा चयन कर लिया है, उसने हमें अपना बना लिया है, उसने हमारी बाह को पकड़ लिया है, उसने थाम रखा है हमें। जैसे ईश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे रखा है, सदगुरु ने भी तो हमें थाम के रखा है, हमारा चयन कर लिया है। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावन हार। जो छुड़ाने वाला है दुखों से, जो सर्वथा दुखों से निवृत्ति करा देने वाला है, वही ईश्वर का दूत, ईश्वरी स्वरूप ही तो सदगुरु है, जो जीव के मोक्ष का परम आनंद का परम कारण है। स्वर वेद में ज्ञान की अनंत रश्मियां भरी पड़ी है। जितना हम इसके नजदीक रहें, जितना हम प्रकाश के साथ रहें, उतना हमारे लिए उपयोगी है। जो विहंगम योगी है, जो विहंगम योगी है, वही तो सबके लिए उपयोगी है, वही सबके लिए उपयोगी है। अब चलते हैं स्वर वेद की गहराइयों में, बिना इसके जाना कहाँ। यही तो मार्गदर्शक यंत्र है, भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र। सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। किधर जाएं, जिधर सिद्धांत ले जाए, जिधर सदगुरु का अनुभव ले जाए, जिधर सदगुरु की वाणी ले जाए, जिधर विहंगम योग का स्वर ले जाए, जिधर स्वर वेद का सिद्धांत ले जाए, उसी की ही तरफ निरंतर गमन करना तो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए कल्याणकारी। हमने किधर का रास्ता देखा है? अरे जिसने देखा है उस मार्ग को। हमने कहाँ कहाँ मार्ग देखा है? कहीं कहाँ नहीं देखा है, किधर का भी रास्ता देखा नहीं है। अरे हमारे मन में इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, हमारा मन जैसे बाह्य विषयों से कितना प्रभावित है। हमने कहाँ कहाँ मार्ग देखा है? अरे हमने किधर का रास्ता देखा है? हमारा मन तो कामनाओं से, और बहुत बार अंध कामनाओं से भरा है। जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने अनुभव किया है उस परम तत्व को, उसका बताया पथ ही, उसका दिया परम ज्ञान ही, उसका दिया स्वर वेद ही, तो हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए प्रकाश का स्तंभ है, हमें प्रकाश दिखा रहा है। हमने किधर का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, उस महापुरुष के बताए पथ पर निरंतर गमन करते रहना,
कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है उसी पथ पर निरंतर आगे गमन, यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमें परम सत्य का अन्वेषण भी नहीं किया। हमने परम सत्य का अन्वेषण भी नहीं किया, हमने नहीं देखा उस मार्ग को, तो क्या हुआ? जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है उस परम सत्य का, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का त्याग किया है, जिसने हमें स्वर्वेद दिया है, जिसने लाखों जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसके बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, हम चल पड़े तो चल पड़े, यही श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या? सत्य पर विश्वास किया है, सत्य पर विश्वास कर लिया है। और जब कर लिया है तो कर लिया है, अब तो बढ़ना ही है आगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे थोड़ी लौटेंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि पीछे लौट जाएंगे, जहां हैं वहां खड़े हैं। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है, जैसी हमारी आंतरिक स्थिति है, उससे पीछे नहीं लौट सकते। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। यही संकल्प है एक साधक का, सेवा में, सत्संग में, साधना में निरंतर प्रकाश का ही पथ गतिमान रहे। इसीलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान है, यह स्वर वेद का संग है, जो जो हमारे कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें प्रदान किया है। शांत चित्त होकर जय स्वर वेद कथा के इन दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।